नवादा का अगर आन बान शान है हाँ। तो राजवल्लभ यादव है। कौन? विनोद जी। का है भाई विनोद जी? हमारा विचार विचार है। हाँ। सरवन कुशवाहा? नहीं, जीतनराम मांझी है, चिराग पासवान है। मांझी तो अन्य हमने जानते हैं, हम सिर्फ विनोद यादव के जानते हैं। तेजस्वी तो कहते हैं कि अरे कौन कौन लड़ रहा है, छोड़िए। हम नहीं जानते हैं। हाँ। हम जानते हैं राजवल्लभ को। यहाँ का आरजेडी का मतलब है राजवल्लभ यादव। तो राजवल्लभ परिवार का जिसके ऊपर हाथ रहता है हाँ। वो जीतता है हाँ। तो इस बार सांसद में कौन? विनोद जी। विनोद यादव। विनोद यादव हाँ। क्यों भाई? हम तो कह रहे हैं ना कि राजवल्लभ का ठीक है। टेम्पो छाप पर विनोद यादव काम करेंगे। हाँ करेंगे। सरवन कुशवाहा बहुत मजबूत है, बहुत बूथ लेवल पर उनकी पकड़ है। बूथ लेवल पर पकड़ कहाँ से आ जाएगा? जब तक राजवल्लभ परिवार का हाथ नहीं रहेगा तब तक ये लोग का जो है ना, अभी तो लड़का बच्चा है, क्या बताएं। विनोद यादव जीतेंगे तो काम करेंगे। विनोद यादव जीत जाएंगे तो बहुत काम करेंगे। किसका ठीक है? परिवार बात कर रहे हैं तो ठीक है, इधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। गलत है कि नहीं आप ही बताइए। इस बार जो है विनोद जी जो है निर्दलीय टेम्पो छाप प्रत्याशी है, और वो इस बार जोर शोर से जो है जनता उनके साथ है। सरवन कुशवाहा नहीं, नहीं नहीं वो नहीं जचता है, नहीं ना जचता है नहीं। तो लालू यादव दिए हैं उनको, कोई दे दे उससे हमारा मतलब नहीं। कहते रहे विनोद यादव कानून को नहीं लगा रहा है। नहीं नहीं कानून कौन भरे, पैसा वैसा दिया है? नहीं तो भी दिया हुआ है। तू तीन को बहन के दिया, भाई के दिया है, माई को दिया है, सबको तो उसी के टिकट। जीरो बैलेंस पर खाता खुलाया था कि 15-15 लाख रुपया आवेगा, तो कहा 15 रुपया तो नहीं खाता में। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक ही परिवार को थोड़े टिकट दे दें। नहीं नहीं वो नहीं होगा। हाँ नहीं हम देंगे उन्हीं को, उन्हीं को देंगे। टेम्पो छाप। सरवन कुशवाहा लोकल है लेकिन आज तक आरजेडी का कुछ नहीं किया है। जैसा समाज काम चलेगा वैसे करेंगे। विनोद यादव को हम वोट देंगे। राजवल्लभ यादव को कहा जाता है कि बाहुबली है। के बाहुबली? राजवल्लभ यादव बाहुबली नहीं, सामाजिक आदमी हो। तो देखिए नवादा लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं ये जानने के लिए कि इस बार नवादा से दिल्ली की यात्रा कौन करेगा। नवादा लोकसभा क्षेत्र जहां से 4 उम्मीदवार जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं, 2 उम्मीदवार निर्दलीय हैं और 2 उम्मीदवार पार्टी की तरफ से आए हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद ने सरवन कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार बाहरी को लेकर आया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार विवेक ठाकुर जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं उनको उम्मीदवार बनाया है, और वहीं तीसरी तरफ राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव निर्दलीय मैदान में है। उनकी उम्मीदें राजद से थी क्योंकि वो राजद से जुड़े हुए थे लेकिन राजद ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। और चौथी तरफ गुंजन सिंह जो है वो भी निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। देखिए गांव में जब आप जाइएगा तो माहौल बना हुआ है क्योंकि बस 19 तारीख को चुनाव होना है। और नवादा लोकसभा क्षेत्र में क्या होगा इस बार, कौन किसे अपना वोट देगा इस बार, नवादा लोकसभा क्षेत्र में कौन आने वाला है, कौन आने वाला है इस बार? अब की बार जो है विनोद जी जो है निर्दलीय टेम्पो छाप प्रत्याशी हैं, और वो इस बार जोर शोर से जो है जनता उनके साथ है। पूरे डुमरी पंचायत में हम मुखिया के नाते, मुखिया प्रतिनिधि के नाते, यहाँ के मुखिया भी जी मुखिया हैं, और उस नाते हम कहते हैं कि जो जनता का मूड है पूरे जनता अपना मन बना चुका है कि हम लोग जो है से विनोद जी चुकी जो है ना एक कार्ड दे दीजिए छठियारी का भी तो वो चलाते हैं। मतलब कुछ भी घर पे हो बुला दे। हाँ किसी भी प्रकार का पारिवारिक अगर विवाद भी हो गया इस गाँव में या पंचायत में अगर बुला लीजिएगा तो पूरे दल बल के साथ आगे वो समझौता करा देते हैं। तो आप एक पंचायत को देखते हैं, पूरा एक पंचायत के आप मुखिया हैं, आपके पंचायत का क्या माहौल? माहौल तो है उन्हीं के पर है पूरे। अच्छा वो राजद से आते हैं, अभी अब राजद से उन्होंने विरोध कर दिया, निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर दी और राजद ने इस बार सरवन कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, तो क्या लगता है कि टक्कर होगा, लड़ाई हो? सरवन जी जो है से इधर हाल फिलहाल से उनमें जुड़े हैं राजद में, लेकिन पुराना आरजेडी तो यही सब है पूरे। राजवल्लभ के सरवन कुशवाहा बहुत मजबूत है, बहुत बूथ लेवल पर उनकी पकड़ है। बूथ लेवल पर पकड़ कहाँ से आ जाएगा? जब तक राजवल्लभ परिवार का हाथ नहीं रहेगा तब तक ये लोग का जो है ना, अभी तो लड़का बच्चा है, क्या बताएं, अभी बच्चे हैं ये। राजनीति के बच्चे, मुखिया से डायरेक्ट सांसद कहाँ से बन पाएंगे? मुखिया थे क्या इसके पहले? मुखिया थे, मुखिया थे, अब सीधे सांसद बनने का सपना। एमएलसी में भी हरा है अशोक यादव, उन्हीं का परिवार बिना टिकट के, इनको टिकट भी मिला एमएलसी का आरजेडी के तरफ से, लेकिन ये तीसरा पोजीशन पर थे और अशोक जी उन्हीं का परिवार का ना है जीते हैं। तो मतलब राजवल्लभ परिवार का जिसके ऊपर हाथ रहता है वो जीतता है। तो इस बार सांसद में कौन?
विनोद जी। कौन? विनोद जी। का है भाई विनोद जी? हमारा विचार है। विचार है? हाँ। सरवन कुशवाहा? नहीं। का है? हमारा ये लोकल है, घर वाला बात है। हाँ। हाँ? परिवार है। आइए को भाजपा जो दिया है विवेक ठाकुर को, उसको कुछ नहीं हम जानते हैं। अच्छा, हम इन्हें जानते हैं विवेक ठाकुर? हाँ जानते हैं, लेकिन उसको वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? बहुत दूर के हैं। दूर के हैं? हाँ, ये हमारा घर के है। विनोद यादव घर के हैं? हाँ। सरवन कुशवाहा के? नहीं नहीं, वो नहीं जचता है। नहीं ना जचता है? नहीं। तो लालू यादव दिए उनको? कोई दे दे, उससे हमारा मतलब नहीं। नहीं दीजिए, हम इनका वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, उनको नहीं देंगे। विनोद यादव? हाँ, टेम्पू छाप पर दे। विनोद यादव काम करेंगे? हाँ करेंगे। कहता लोग की कामे नहीं करते? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं देंगे उन्हीं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक ही परिवार को थोड़ी टिकट दे देंगे? नहीं नहीं, वो नहीं होगा। हाँ नहीं, हम देंगे उन्हीं को। उन्हीं को देंगे? हाँ, टेम्पू छाप विचार है। विचार है? हाँ, तो मतलब विचार बनाइए थोड़ा इधर उधर। नहीं बनेगा, जब आत्मा धार लिए वो रुकेगा नहीं, उन्हीं। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या पैसा वैसा दिए हैं कि डर से? डर से नहीं, डर नहीं है, की बाहुबल है। उस मतलब नहीं। हाँ। हम विचार से देते हैं। हाँ। आप जी जो कहें वही रहे, जो कहेंगे वही रहे। हाँ। आपका अपना विचार नहीं है? हाँ, जो बोल रहे हैं वही वही बात हम उन्हीं का वोट हम देंगे। का है मतलब कुछ है उसको? कुछ भी नहीं है, जैसा हमारा समाज चलेगा वैसा हम भी करेंगे। हाँ तो हम क्या करेंगे, जो बोले तो उन्हीं का देंगे वोट। समाज मतलब यादव जी? नहीं, हम चौहान जी हैं। चौहान जी हैं? हाँ। किसको? जिसको जैसा समाज काम चलेगा वैसा देंगे, करेंगे। तो विनोद यादव हम भी वोट देंगे। ये अगर सरवन कुशवाहा को देते तो? देते तो जिसको जैसा विचार समाज चलेगा वैसा करेंगे। आप किसको दीजिएगा? विनोद जी को देंगे, जो बोले। आप जी? विनोद यादव। का है? इसलिए कि मेरा लोकल उम्मीदवार है। लोकल तो सरवन कुशवाहा जी। सरवन कुशवाहा लोकल है, लेकिन आज तक आरजेडी का कुछ नहीं किया है। तो पूर्व सदस्य नहीं है, कार्यकर्ता नहीं? नहीं है, वो पहले बीजेपी में था। हाँ। जदयू में रहा, उसके बाद फिर आरजेडी में आया। साल भर में वो तीन पार्टी बदला। तेजस्वी यादव चुनकर नहीं दिए हैं क्या? नहीं दिए। हाँ। यहाँ का आरजेडी का मतलब है राजवल्लभ यादव। आरजेडी का मतलब राजवल्लभ यादव? राजवल्लभ यादव। तो आरजेडी की पहचान राजवल्लभ यादव से है? जी। हाँ जी। इतने राजवल्लभ यादव का पकड़ है जी? हाँ। नवादा का अगर आन बान शान है। हाँ। तो राजवल्लभ यादव है। उनकी पत्नी तो राजद से विधायक बन जी। तो राजद टिकट नहीं देता तो विधायक को नहीं बन, वो निर्दलीय भी विधायक बन जाता। तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि टिकट नहीं मिलता तो कौन पहचानता उसको? पूरा जिला में जानता है राजवल्लभ यादव को। आपका विगत परिस्थिति में अभी कुछ दिन पहले एमएलसी का चुनाव हुआ, उस चुनाव में तेजस्वी जी टिकट नहीं दिए, निर्दलीय चुनाव जीत के दिखाया है। हाँ, अशोक यादव। हाँ, उस समय भी सरवन कुशवाहा को टिकट दे दिए थे, तब पर भी अशोक यादव ने आधा में सरवन कुशवाहा और जदयू का कैंडिडेट रहा, आधा में निर्दलीय अशोक यादव का वोट आया। हाँ, मतलब कि 100% में 50% अशोक यादव के साथ और 25-25 में ही लोग बांट लिया। जी जी। हाँ। कौन जी इस बार? विनोद यादव। बगल वाले बोल रहे हैं इसलिए? नहीं नहीं। नाम आपका क्या? मेरा नाम इंद्रदेव राम। इंद्रदेव राम? राम जी। तो विनोद यादव को क्यों? विनोद यादव को हम लोग वोट करेंगे। सरवन कुशवाहा नहीं? नहीं नहीं। कहा जाता है कि दलित जो है वो जाता है। दलित? दलित मतलब आपके तो नेता उधरो है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है। मांझी तो अन्य हम नहीं जानते, हम सिर्फ विनोद यादव के जानते हैं। भाजपा वाले उम्मीदवार को नहीं जानते? नहीं। है विवेक ठाकुर पहचानते हैं? नहीं, नहीं उनको पहचानते हैं। अच्छा, ये भाजपा जब जीतती है यहाँ से काम होता है, विकास होता है? कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी का एकदम वादा वाला है। कहाँ वादा के? 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, 15 लाख रुपया का ऐसे खाता में आपको मिलवाए थे? हाँ, खाता खुलवाए थे। पैसा नहीं आया? कुछ एक रुपया नहीं आया। नहीं है कुछ? नहीं, लालची में खाता खुलवा दिएगा। जीरो बैलेंस पर खाता खुलाए थे कि 15-15 लाख रुपया आवेगा। तो क्या 15 रुपया तो नहीं खाता में आया? क्या सोचे थे 15 लाख आएगा तो क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? खाएंगे, रोजगार करेंगे, आप क्या करते हैं? पैसों नहीं आया। अब पैसों नहीं आया। विनोद यादव जीतेंगे तो काम करेंगे? विनोद यादव जीत जाएंगे तो बहुत काम करेंगे। काम करेंगे? बहुत काम। उनकी भौजाई काम करती है? बहुत काम करती है जो विधायक। हाँ करते हैं। पूरे जनता के बीच उड़ते नहीं ना? कहाँ के लिए डरेंगे? बाहुबली कहता है लोग। कौन बाहुबली कहता है? बाहुबली नहीं है। हाँ। अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी? बहुत अच्छा आदमी है। उनका भाई? वो भी अच्छा आदमी है। वो भी अच्छा आदमी। आप जी बाबा? विनोद। क्यों बाबा? हाँ
अच्छा आपका तो उम्र बहुत हो गया, तो बहुत सांसद देखे से किस बल्लभ के साथ थे शुरू से हाँ, हाँ। राजबल्लभ परिवार से हाँ। क्या मतलब क्या कुछ देते हैं क्या क्या देते हैं हमको हम लोग को प्रेम देते हैं प्रेम हाँ प्रेम है एकदम जुड़ा हुआ जखने बुलावे तखने आ जाएंगे जखनी बुलाएंगे हाँ तखने आ जाएंगे हाँ, इतना भरोसा है हाँ कुछ घटता है तो चले जाते हैं तो दे देते हैं हाँ, तो क्या कभी भी घटे पहुंच जाइए रातों को जाइएगा हाँ रातों के चल जाएंगे वहाँ दरवाजा खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं तेजस्वी तो कहते हैं कि अरे कौन कौन लड़ रहा है छोड़िए हम नहीं जानते हैं हम जानते हैं राजबल्लभ को तेजस्वी यादव कह रहे थे कि एक ही परिवार से सबको टिकट दे देंगे तो क्या तो वो अपने परिवार से क्यों दिए हुए सबको हाँ। हम तो भी दिया हुआ है तू तीन को बहन के दिया हाँ। भाई के दिया है माई को दिया है हाँ। सबको तो उसी के टिकट अच्छा किसका टिकट वो परिवार बात कर रहे हैं तो ठीक हाँ। है इधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा गलत है कि नहीं आप ही बताइए हाँ तो फिर क्या तो आप किसको दीजिएगा वो विनोद यादव हाँ क्यों भाई हम तो कह रहे हैं ना उनके राजबल्लभ का ठीक है हाँ उन्हीं का देन है परिवार है इसलिए हाँ परिवार के उन्हीं का देन भी है तो काम नहीं करवाएंगे मत करवावे वो करवाए करते हैं अभी बिना जीतले तो करवा रहा है काम करवा लीजिए पकड़ के करवा रहा है 17 को चापा कल दिए हुए है 17 को चापा कल हाँ बड़का हाँ तो 50 को है पंचायत में हाँ तो बस एक पंचायत में 50 को चापा 50 को देखिए हमारे गाँव 6-7 जी कितना चापा कल 50 चापा कल दिया है अपने फंड से अपना एमएलसी फंड से दिया है हाँ तो उन्हीं का भतीजा अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं क्या इस बार कौन बाबा आप उठिए इधर आइए अब बगल में बैठे इसलिए लग रहा है अब बताइए किसको विनोद यादव है विनोद यादव ना बढ़िया से बताइए उधर उधर उठ के कहते रहे विनोद यादव कानून कोई नहीं लगा रहा है नहीं कान कौन भरे पैसा वैसा दिया है नहीं तो कैसे कहे कह रहे हैं विनोद यादव उनका तबीयत हम लोग का है उन्हीं का उन्हीं का मन है एकदम माहौल बना दिया तो बगल में कुर्सिया में बैठे थे इसलिए कुर्सिया में बैठे क्या विनोद यादव एकदम माहौल है माहौल इसलिए हाँ। गौर कीजिए नवादा में हाँ। कई अखबार से हाँ। ये क्या बोले आप चंदन सिंह गुंजन सिंह चंदन सिंह नहीं जो हाँ। तीन बार से जीत के जा रहे हैं भोला सिंह हाँ, हाँ। तो, भोला सिंह गिरिराज सिंह आए भोला सिंह के बाद जी फिर आपको चंदन सिंह आए अभी विवेक ठाकुर आए विवेक ठाकुर मतलब ये जो दाढ़ी बनाते कौन जाते हैं नहीं नहीं वो तो भूमिहार है हाँ। अच्छा सीपी ठाकुर के बेटे अच्छा अच्छा ठीक मतलब इतना भी नहीं जानते समझिए कि भाजपा एक पहले अनपढ़ आदमी है कोई बात नहीं मतलब समझिए कि भाजपा का एक ऐसा उम्मीदवार जिसको आप जानते भी नहीं बताइए कि जिसे विवेक ठाकुर को दिए टिकट बताइए नवादा में विवेक ठाकुर नहीं था नवादा मतलब नवादा का किसी बेटा को दे देता तो आप थोड़ा विचारो करते बिचारे में वोटे उनको देते वोटो दे देते हाँ मतलब लेकिन बताइए कि बार बार एक बार से दे देते हैं उनको नवादा में कोई मजबूत होगा ही नहीं इसलिए बाहर से लाना पड़ता है नवादा के विकास के लिए कैसे नहीं नवादा में कोई तो निर्दलीय निर्दलीय लड़ रहे हैं मतलब कि चुनाव है ये नहीं कोई हाँ भाजपा उनको टिकट देता हाँ भाजपा उनको टिकट देता हाँ राजबल्लभ यादव को कहा जाता है कि बाहुबली है के बाहुबली राजबल्लभ यादव बाहुबली सामाजिक आदमी उनको जात नहीं चाहिए उनको जमायत चाहिए जमायत के काम कर रहे हैं आप किस जाति के हम जादवे जाति के तो अब तो लालू यादव की बात नहीं हम तो लालू यादव की बात नहीं बोल रहे आपसे हम बोल रहे हैं कि उनका समाज चाहिए जात में चाहिए जात को जात के यहाँ कोई बात नहीं जात का कोई बात नहीं विकास के बाद जो विकास कर रहा है वो जात है हाँ जो विकास कर रहा है वो जात है हाँ। मुखिया जी अपने पंचायत के लोगों को बुलाकर उधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं और बुलाकर बातचीत कर रहे हैं कि इस बार वोट किसे देना है और इस बार नवादा का माहौल इस तरीके से बना है कि राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। यहाँ पर चौकोनीय फाइट है अगर देखा जाए तो एक तरफ भोजपुरी के गायक हैं गुंजन सिंह दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव हैं और तीसरी तरफ एनडीए से इस बार विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है हर बार की तरह बाहर से किसी को लाकर नवादा में बैठाया गया है और चौथी तरफ राजद ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसे जनता पहचानती भी नहीं वो कहते हैं कि अंडा बेचने वाले को टिकट दिए जनता कहती है कि बालू माफिया है मुखिया का चुनाव हार गए खुद हारे पत्नी को भी हारा और इस बार लोकसभा लड़ने गए एमएलसी भी हारे विधानसभा भी हारे और इस बार
वो सोच रहे हैं कि सांसद बन जाएंगे और राजद के टिकट पर। देखिए क्या माहौल है, जनता जो है वो पसंद कर रही है विनोद यादव को, जनता कह रही है कि इस बार विनोद यादव ही उनके सांसद होंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक। Yeah.